नमस्कार। महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे के तीन पहियों वाली जो सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सोनिया सरकार है, उसका आज फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत परीक्षण होना है। उससे पहले ही उद्धव ठाकरे के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि आज सवेरे ही बीजेपी के एमपी प्रताप चिखलीकर ने एनसीपी नेता अजीत पवार के घर पर मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब आज बहुमत परीक्षण होना है, फ्लोर टेस्ट होना है। जो संजय राउत कह रहे हैं कि हमारे पास 170 विधायक थे, 175 विधायक थे, उसका शक्ति परीक्षण होना है। उससे पहले ये मुलाकात बहुत ही असमंजस में डाल रही है शिवसेना को। उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए हैं कि क्या इस मुलाकात के पीछे क्या रहस्य है, क्या वो अजीत पवार फिर बगावत करेंगे, क्या वो पूरा खेल बिगाड़ देंगे, क्या कुछ समीकरण चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा हर दिन नए उलटफेर होते रहते हैं, और आज ये बहुमत परीक्षण से पहले बीजेपी के सांसद प्रताप चिखलीकर का उनके घर पर मिलना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या विधानसभा के पटल पर जो बहुमत परीक्षण होगा, क्या उसको जीत पाएगी, क्या गणित बैठा रही है बीजेपी। शरद पवार के भतीजे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के घर मुंबई आवास पर नांदेड़ के बीजेपी सांसद प्रताप चिखलीकर ने मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है, और जिन्होंने कांग्रेसी दिग्गज अशोक चव्हाण को उनके गढ़ में मात दी, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को मात दी है। अब क्या वो कांग्रेस को फिर से विधानसभा के पटल पर मात देंगे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विधानसभा में विश्वास मत होने से पहले ये बड़ी अटकलें तेज हो गई है। इस समय ये मुलाकात क्यों की गई है? नवाब मलिक कह रहे थे कि तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है बीजेपी, अगर तोड़फोड़ की तो हम पूरी बीजेपी को साफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एनसीपी को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ अभी खेल चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत बड़ा खुलासा पहले ही हो चुका है कि किस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर एनसीपी और बीजेपी की बातचीत चल रही थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठुकरा दिया था उस दावे को। लेकिन अब यहां पर जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ चुकी है। आज विधानसभा पटल पर पता चलेगा कि किस तरीके का बहुमत है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कल ही कह रहे थे कि जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी वहां पर विश्वास मत को लेकर क्यों चर्चा की जा रही है, जब आपको पता है कि आपके पास बहुमत है तो फिर क्यों डर है, क्यों विधायकों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। इस मुलाकात को लेकर अजीत पवार कहते हैं कि अजीत पवार ने जो सफाई दी है, उन्होंने कहा इसे शिष्टाचार भेंट बताया, और कहा कि शिष्टाचार भेंट थी, मुझसे अनेक दलों के नेता मिल रहे हैं, बारामती के लोग जानते हैं अजीत पवार किधर हैं। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के पद से भी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो ग्रहण करेंगे, और उन्होंने मजाकिया या संजय राउत पर तंज कह रहे थे कि संजय राउत ने 170 का जो आंकड़ा बताया है वहाँ तक हम लोग जरूर पहुँचेंगे। क्या अजीत पवार संजय राउत को जवाब दे रहे हैं, या संजय राउत के आंकड़े पर हंस रहे हैं, या उन्हें पता है कि वो कोई और खेल करने वाले हैं जिससे संजय राउत का जो ये 170 का आंकड़ा है वो पूरी तरह से फेल हो जाए। कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना में अभी से मलाईदार पदों की बंटवारे को लेकर किस तरीके से वो आपस में लड़ रहे हैं। कोई बोल रहा है हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, कोई बोल रहा है हमारा भी डिप्टी सीएम होना चाहिए। कांग्रेस ने भी अपने डिप्टी सीएम की मांग की, और अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन डिप्टी सीएम होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी ये मांग रखी है, और विधानसभा अध्यक्ष है उसके लिए कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद जो बीजेपी से जीते थे वो फिर उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी। नाना पटोले को अपना महाविकास अघाड़ी का जो विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नॉमिनेशन भर दिया है, तो ये बड़ी बात है। और वहाँ पर बीजेपी ने उनको टक्कर देने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। किशन कठोरे विधानसभा स्पीकर का जो उम्मीदवार है वो बीजेपी की तरफ से, और
कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले हैं, महाविकास अगाड़ी जो इन्होंने गठबंधन बनाया है उसका स्पीकर पोस्ट के लिए बीजेपी ने करारा हमला किया है और एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना ने संविधान की उल्लंघना की उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में प्रॉम टेम स्पीकर बदले जाने पर बीजेपी ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर दी है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि कालिदास कोलंबकर को हटाकर दिलीप वाल्से पाटिल को प्रॉम्प्टम स्पीकर बनाना कानूनी तौर पर वैध नहीं है, इसके साथ ही शपथ ग्रहण के नियमों के खिलाफ हो रहा है। पाटिल ने आगे कहा कि हम राज्यपाल से इसकी शिकायत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये आज बहुमत परीक्षण का दिन है और ये इतने तमाम अब बीजेपी ने अपना अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है विधानसभा अध्यक्ष के लिए। महाविकास अगाड़ी जो गठबंधन है वो कांग्रेस के विधायक उस पर खड़े हो रहे हैं, तो यानी दोनों दल ये चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पद पर काबिज हो और इस पर बीजेपी ये चाहती है कि बहुमत जो गुप्त मतदान हो उससे ये पता चल जाएगा कि सही में शिवसेना के पास बहुमत है या नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि अगर हिम्मत है तो गुप्त मतदान करके दिखाए और फिर पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना बहुमत है, तुम बहुमत परीक्षण में भी हार जाओगे। तो ये बड़ा दावा किया है बीजेपी ने और वहीं अजीत पवार से इस तरीके से मिलना कोई बड़ा संकेत दे रहा है, लेकिन आखिरकार तो सच्चाई विधानसभा पटल पर पता चलेगी कि किसके पास कितने आंकड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम एक महीने से ज़्यादा के समय पर वहां पर उठापटक चली, किस तरीके से वहां पर शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दे करके विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया, कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने की हामी भर दी, लेकिन तब बगावत कर देते हैं अजीत पवार, क्या वो बगावत आगे भी होती है? क्योंकि इसका हश्र वही होगा है जो कर्नाटक में एचडी कुमार स्वामी का हुआ, जेडीएस की सरकार का हुआ कि एक साल के अंतर्गत ही जो एक बड़ा दावा किया जा रहा था कि हम बीजेपी को पूरे देश से उखाड़ देंगे, लेकिन वही कांग्रेस और जेडीएस कर्नाटक से उखड़ गई। तो क्या अब जो महाराष्ट्र में संजय राउत दावा कर रहे हैं कि पूरे देश में हम बीजेपी का सफाया कर देंगे, क्या वो आने वाले दिनों में शिवसेना वहीं से सफाया हो जाएगी या आज विधानसभा पटल पर ही वो बहुमत परीक्षण हार जाएंगे? इसके लिए तमाम शरद पवार ने प्रस्ताव दिया था कि हमें कृषि मंत्रालय दीजिए और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए, हमारा कोई ऐसा मोहरा वहां पर फिट कर दिए जिससे राज्य की राजनीति में फिर से एनसीपी उभर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और किसी भी कीमत पे नहीं झुके, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां सत्ता तो मिल जाएगी लेकिन जो ईमानदार छवि, जो कठिन मेहनत करके जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, देवेंद्र फडणवीस जो जन नेता के रूप में उभरे महाराष्ट्र में, अगर उनको बाहर किया जाता है तो सचमुच में एक जो कठिन परिश्रम और सही में जनता की सेवा करने वाले नेता हैं उनकी अनदेखी होगी और आने वाले समय में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, शायद ही उसकी भरपाई कभी हो पाए। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष में बैठने सही समझा निर्णय और एनसीपी से हाथ नहीं मिलाए और शरद पवार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि शरद पवार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अगर प्रधानमंत्री चाहते किसी भी तरीके से वहाँ पर सत्ता में हासिल करने के लिए, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है या जो शिवसेना आरोप लगाई है, जो संजय राउत ने ड्रामे कर रहे हैं, तो शायद ही शिवसेना को ये मौका मिल पाता, लेकिन इसके भी अब कोई भरोसा नहीं है कि कब ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आ रही कि शरद पवार और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये बातचीत चल रही थी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ठुकरा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कि विधानसभा में आज क्या बहुमत परीक्षण में क्या सामने आता है, क्या बीजेपी जीत पाती है, क्या बीजेपी शिवसेना के खेल को ख़त्म कर देगी, क्या आज उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या वो बहुमत परीक्षण जीत पाएंगे, कितना आंकड़ा होगा, ये सारा
पूरा जो एक महीने में जो ड्रामा चल रहा था उसका पूरा विधानसभा पटल पर सबके सामने सच होगा और सबकी नजरें होंगी कि क्या वहाँ पर होता है, कितना वो अपना बहुमत पाते हैं, कितना उनके पास आंकड़ा है और आने वाले दिनों में कितने दिन की ये सरकार चलेगी अगर ये बहुमत जीत जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी में लगातार मनमुटाव सामने आ रहा है, ये आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की नींद हराम कर देगा। क्योंकि अभी से अगर इतने लड़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये बिल्लियां और ज़्यादा लड़ेंगी और उद्धव ठाकरे को मुद्दे हैं उनको सुलझाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और जो ये जनता के मैंडेट के साथ धोखा करके वहाँ पर सरकार बनाई है, इसके लिए उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा और शायद ही वो इस कुर्सी पे टिक पाएंगे। क्योंकि उन्होंने ये कुर्सी पाई नहीं है, जबकि बीजेपी के वोटों को छीन करके ये कुर्सी छीनी गई है। अगर तुम किसी दूसरे की सत्ता को छीन इस तरीके से धोखा करके छीनते हो तो आपको भी आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये कर्मा का सिद्धांत है और कर्म का फल जल्दी मिलता है, तो देखते हैं कि जैसा कर्म जैसा भोगे वैसा पाओगे। और तो देखते हैं क्या होता है विधानसभा पटल पर। और ये बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है और शिवसेना के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। जय हिंद, जय भारत।